फ्रेंड बन जाए मैं आपको ना। आप पागल हैं? सुने तो सही। नहीं आप पागल हैं? गर्लफ्रेंड बन जाए पूरी बात। मैं आपसे इज्जत से बात कर रही हूँ कि आप फैन हैं, चलो यार इज्जत दे के बात करो। आप ओवर होते जा रहे हैं, आप सर पे चढ़ रहे हैं। मुझे किडनियाँ बेचनी पड़े। आप अपनी किडनियाँ बेच के किसी और को आईफोन दे। बट यू लुक वेरी ब्यूटीफुल। बहुत शुक्रिया, मैं प्यारी हूँ, मुझे पता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। मुझे बार बार आप यहाँ शूट कीजिए, नहीं तो मैं इतने चीखे मारूंगी। हेलो गाइस, दिस इज योर बॉय अली अहमद। गाइस आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज का प्रैंक मैंने फेमस टिकटॉकर बुशरा गुलफाम के साथ किया। मैं काफी टाइम से ट्राई कर रहा था कि उसके साथ प्रैंक करूं, तो मेरी फ्रेंड मरियम इकराम जो, उसने मुझे कल रात को ही कॉल किया कि बुशरा गुलफाम लॉरेंस गार्डन आ रही है। तो गाइस अब मैं उससे कंफर्म करता हूं कि वो कितनी देर तक आ रही है बुशरा, तो मैं मरियम को कॉल करने लगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ? ठीक ठाक। अच्छा मरियम, मैंने पूछना था कि बुशरा गुलफाम कब तक पहुंच जाएगी यहाँ पे? चलें डन हो गया, ठीक है। मैं ना पहुंच चुका था, मैंने कहा उस पे प्रैंक करना, तो हम वेट कर रहे हैं। डन हो गया। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, हम गेट पे चलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वाला, आपने वीडियो के एंड तक है ना, हम चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद। एक्सक्यूज मी मैम, वो आप बुशरा गुलफाम है? मुझे टिकटॉक पे होती हैं। ओह माय गॉड, वाकई आप वही हैं मुझे टिकटॉक बनाती हैं, मतलब काफ़ी। ओह माय गॉड, मैं लाइक करता हूँ वीडियोस को। नहीं आपको आपको टिकटॉक का लगा है? बाय द वे आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, मैं बैठ सकता हूँ? नहीं वो तो बात तो ठीक है आपकी, बट आप वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे आपको ना उधर होना चाहिए था, क्या कहते हैं उसको, म्यूजियम। पता है क्यों? क्योंकि जितनी भी खूबसूरत और नायाब चीज़ें होती हैं ना, वो वहीं होती हैं जी। तो आप पूछेंगे ना कि म्यूजियम कहाँ पर है? मेरे दिल में। बाय द वे ना मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मुझे चुंडी पूटेंगी, आई मीन चुंडी काटेंगी आप, मुझे यकीन आएगा मुझे। नहीं एक दफ़ा आप, नहीं आप एक दफ़ा प्लीज़ करें, ताकि मुझे ना यकीन आए कि मैं वाकई बुशरा गुलफाम के। ओ माई गॉड, तो मुझे लगे कि मैं बुशरा गुलफाम से। एक एक ट्राई। ओ माई गॉड, ये हकीकत है मतलब इसका, मतलब कि नहीं जज्बाती नहीं बस, मुझे ना बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है कि आज मैं बुशरा गुलफाम के साथ बैठा हूँ। तो अगर आप माइंड ना करें बस एक सेल्फी ले लूँ आपके साथ? चले डन हो गया। एक मिनट, सर्च मम्मा, सेंड। सेंड कर दी मैंने। नहीं मामा को पसंद नहीं, मामा ने मुझे आज कहा था कि आज तुम बाहर जा रहे हो तो आज तुम अपने लिए बहू लेकर ही आओगे। अपने लिए बहू? आप तुम मामा के लिए, मामा के लिए बहू, मैं अपने लिए थोड़ी ना लेके जाऊंगा। अपने लिए मैं, नहीं ख्वाब तो मुझे आते रहते, लेकिन ये ख्वाब बरसों से आ रहे हैं मुझे, जब मैं था ना। अच्छा, बरसों से मैं तो टिकटॉक पे अब बस वो कहते ना वो एक परी आती है ख्वाबों में, तो वो वैसे तो ठीक है। वो अब वो ये है कि मैंने मामा को सेंड कर दिया है, तो अब मामा बताएंगे कि आप कैसी हैं, ठीक है। वैसे मामा को भी आप बहुत पसंद है, मैंने टिकटॉक वीडियोस आपकी दिखाई हुई मामा को। मामा ने कहा था ना मुझे कि आज तुम सिलेक्ट कर लो, तो अब मैं सिलेक्ट कर ली, मैंने तो नहीं किया ना। तो अब तो हो गया ना, अब देखें क्या हो गया। कुछ भी नहीं हुआ, जबरदस्ती अपनी तरफ से हो गया। मैंने आपको फॉलो किया हुआ, फॉलो तो मुझे इतने ज्यादा लोगों ने कि मैं सबसे शादी कर ली। बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स कहते हैं फॉलो योर ड्रीम्स। नहीं बाकी नहीं देखा मैंने, टैलेंट नहीं, मामा को अब सेंड कर दिया, मामा मुझे अब रिप्लाई कर दिए। मामा से कहें कि मैं मिल लिया था बुशरा से, लेकिन हो कुछ नहीं सकता। अच्छा इधर कोई पुलिस को बुला ले, आप बुला सकते हैं पुलिस को? क्योंकि नहीं इतनी खूबसूरत है आप, तो इलीगल है ना इतना खूबसूरत होना।
वहाँ पर एक राइटर होना चाहिए आपको ना? नहीं राइटर नहीं, है ना यहाँ? जी जी लाइब्रेरी में बैठा करें राइटिंग की। ओ ये कॉल आ गई मामा। हेलो जी मामा, पसंद आई आपको? मामा वैसे मुझे बहुत पसंद है, मैं तो आपको कह, इसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जी जी सुनाऊँ? ये देखें करनी है, इज्जत रख ले। अच्छा मामा वैसे बहुत प्यारी है, मैं तो कहता हूँ इसके बाल भी बहुत प्यारे, ऊपर से इसकी स्माइल तो खुदा। मामा मैं कहता हूँ कुछ भी, अब देखे मैंने आपको पिक्चर भेज दी, आपने मुझे कहा था कि तुम बस सिलेक्ट कर लो, ठीक है ओके। शर्म किस बात की, मैं आपका फैन हूँ, इतना तो आप कह ही सकते। क्या फैन है, आपने पिक्चर ले ली और जो भी आपके दिल में था आपने कह दिया, ठीक है बस अब आप जाएं। चला तो जाऊं लेकिन अब मैंने आपके लिए सॉन्ग लिखा, अगर आप सुन लें, मैंने खुद लिखा जाती गाना मेरा, ज्यादा लंबा था नहीं, नहीं छोटा सा। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूं ना। नहीं ये सॉन्ग मैंने लिखा स्पेशली, अभी अभी मैं उधर बैठा था, मैं लिख के आऊँ ये वाला सॉन्ग। नहीं लिखा तो मैंने दिल में ही था, तो मतलब उधर बैठा हुआ था मैं, तो आपको देख के तो इमेजिन कर रहा था। एक और सॉन्ग सुना, अच्छा अब सिर्फ एक लाइन है, एक छोटा सा, बस सॉन्ग सुना के जा रहा हूँ। एक दिल ही तो था मेरा, वो भी तूने ले लिया। आपने लिया, अच्छा बाय द वे क्या कहते हैं, इधर कोई पुलिस बुला लेगा, आप बुला सकते हैं पुलिस? हाँ हाँ मैंने बुलानी है आपके लिए। हाँ आप मेरे लिए बुलाएं, लेकिन उल्टा केस आप पे होना, इतना खूबसूरत मैंने आप पे ठरक निकाला, नहीं इतना खूबसूरत होना इलीगल है आपको पता है। क्योंकि मुझे कोई रखता नहीं ना। सही बात है, किसने रखने हैं आपको? अच्छा, आपने हर किसी पे तो जाके ठरक निकालने लग गया। नहीं हर किसी पे नहीं, मैं बहुत मासूम बच्चा हूँ। हाँ, मैं तो मुझे पता लग रहा है आपकी बातों से, माशाल्लाह। मैं कराची से आया हूँ, मुझे मतलब ऐसा वैसा कुछ नहीं पता। अच्छा, मैं यहाँ पे मैं नया हूँ, तो आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, मैं आपको ना पागल है, सुने तो सही, नहीं आप पागल है, गर्लफ्रेंड बन जाए, पूरी बात मैं आपसे इज्जत से बात कर रही हूँ, क्या फैन है, चलो यार इज्जत दे के बात करो, आप ओवर होते जा रहे हैं, आप सर पे चढ़ रहे हैं मेरे साथ। अच्छा बात तो सुन ले, मैं ना देखिए ऐसे अच्छा नहीं लगता है, बस बहुत हो गया, मैं ठीक है मैं जा रहा हूँ, बुला लूँ सिक्योरिटी को, आप बुला लें सिक्योरिटी अगर आप बुला सकती हैं। आपको आईफोन दिलाऊंगा, भले मुझे किडनियां बेचनी पड़े, बट यू लुक वेरी ब्यूटीफुल। बहुत शुक्रिया, मैं प्यारी हूँ, मुझे पता है आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। हाँ ठीक है ओके, बहुत भी प्यारी हो गई, मैं भी प्यारी हो गई, आप बहुत बुरे हैं, चलें अब यहाँ से जाएं। नहीं मैं इतना भी बुरा नहीं, जितना आप गुस्सा करनी है, तो आप यहाँ से जाएं। आप मुझे आप मुझे 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 पता है आप दिल में खुश हो रही हैं, आप ऊपर से ऐसा बोल रही हैं। मैंने दिल में क्यों खुश हो? क्योंकि इतना हैंडसम लड़का आके आपको प्रपोज कर रहा है गर्लफ्रेंड। शाहरुख खान भी, मैं शाहरुख खान भी बन जाता हूँ अगर आप कहें तो मैं बन जाऊं। अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूं, आप मुझे नंबर दे दें, बस मैं जा रहा हूं। जूती का नहीं मांगा, आपका मांगा, अभी से फरमाइशें शुरू, अभी तो हम गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी, आप जूती का नंबर देने पे तुलिए, अपना फोन नंबर दें आप, बाकी भी हो जाएगा इंशाल्लाह। जूती का नंबर मैं आपको बता देती हूं, फिर आप शायद डर जाएं। नहीं हां वो ज्यादा एक्सपेंसिव होगी ना, जितना बड़ा पाओ उतनी महंगी चप्पल, डर तो मैं जाऊंगा। खैर कोई नहीं, आप फोन नंबर दे दें, चप्पल चप्पल तो चलता है इधर रिलेशनशिप में, कोई नहीं मैं नंबर चाहिए जी, आप ये नंबर दे दें इधर ना, आप मामा का नंबर दीजिए। मामा का नहीं मुझे पसंद, आप मामा थोड़ी पसंद है मुझे, मैं मामा तो आपको मेरे से ज्यादा अच्छा सुनाएंगी ना, गाने सुनाती हूँ। आप अपना दे दें, आप बदतमीजी ना करें, नहीं तो अब मैं कुछ लोग यहाँ पे बुला लूंगी।
और मैंने इतना चीखे मार दिया ना कि पूरा पार्क मैंने इकट्ठा कर लिया। मैं कौन सा आपको, देखिए मैं तो लड़की हूँ, मेरा तो सब साथ है, मैं ना किसी ने साथ नहीं देना, मैं कुछ झूठ भी बोल दूंगी बीच में, तो इसलिए आप चुप करके, मैं कौन सा आपको, नहीं तो मैं यहाँ से उठ के चल जाऊंगी, अब आप एक लफ्ज़ मत बोले और चुप करके यहाँ से चले जाए। मैं कौन सा आपको गुदगुदी करूँ जो आप चीखे मारेंगी, ऐसा थोड़ी होता है, मैं तो फैन हूँ आपका, जस्ट बैठा हूँ। नहीं मैं क्यों लगाऊंगा, मैं जस्ट आपका फैन हूँ, मैं तो आपको पसंद हाँ, तो बस फैन है ना, आपने बता दिया मेरे फैन है, सेल्फी ले ली, बात खत्म हो गई, बाप जाएं यहां से। फैंस के साथ ऐसा बिहेवियर, मैं बहुत अच्छा बिहेव करती हूं, लेकिन जो मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं, चलिए आप इंस्टाग्राम दे दे, मैं जा रहा हूं इंस्टाग्राम आपको आप रिप्लाई करेंगे मुझे? नहीं बिल्कुल भी नहीं करूंगी, आप जैसे हो छोटा सा कर दे, देखिए मैं अच्छा लड़का हूं, मैं कुछ भी नहीं करता। आप अच्छे होंगे ना, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। हमारा इधर एक फुल्लू आइसक्रीम वाला है, 20 रुपए की देता है, वो भी मैं आपको रोज खिलाया करूंगा, मजे की होती है वो, पक्का प्रॉमिस। आप देखा हंसी तो फंसी, मतलब हंसी तो फंसी। अच्छा सॉरी, गुस्सा ना करें मैं। अच्छा मुझे गिरानी भी नहीं पता क्या वो ना, वो पीछे कैमरा लगा हमारा उस साइड पे, वो पीछे उस साइड पे वो दो लड़के खड़े नजर आ रहे हैं, इट्स जस्ट अ प्रैंक। मैं जस्ट एक वीडियो बना रहा था प्रैंक वीडियो यूट्यूब के लिए, मेरा यूट्यूब पे चैनल डेट वॉज क्रेजी के नाम से, तो इफ यू डोंट माइंड मैं आपको क्लिप यूज कर सकता हूँ। लेकिन आपकी पिटाई से रुक गई। वैसे सच्ची में मैं लाइक करता हूँ वीडियोस को, नहीं आपको। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर, शेयर कर दो। अगर ये कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं इस वीडियो कौन सा पार्ट था जो आप लोगों को ज्यादा पसंद आया। इस वीडियो में एम करता हूँ 70,000 लाइक, जल्दी से लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।